हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है एसर गेटवे। ये गेटवे की एक सीरीज होती है, इस पे एसर तो कहीं लिखा नहीं होता है, गेटवे लिखा होता है, पर ये एसर की ही एक सीरीज होती है। एसर के ही डिजाइन किए हुए ये लैपटॉप होते हैं। तो इसमें हम आपको बता देते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये आप देखोगे ये हमारा पूरा इसमें टूटा हुआ है, ये पूरा टूट रखा है, ये बाहर आ जाता है, इसका टच पैड वगैरह बेस वगैरह सब टूटा हुआ है। और ये वैसे तो मशीन चल रही है, परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है चलने वगैरह में, खोलने पैक करने में दिक्कत हो रही है, हम इसको ज़्यादा नहीं खोल पाएंगे। ये देखोगे स्क्रीन वगैरह ओके है। यदि इस प्रकार मशीन टूट जाए तो इसमें स्क्रीन का खराब होने का भी खतरा रहता है, इससे पहले ही आप इसको रिपेयर करा लो। जब आपकी मशीन का टच पैड टूट जाए, बेस टूट जाए या हिंच में कोई प्रॉब्लम आए, उससे पहले कि ज़्यादा नुकसान हो, आप उसे पहले ही रिपेयर करा दो। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हम आगे दिखाते हैं इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो ये टच पैड रिपेयर नहीं हो पाएगा, चेंज ही करना पड़ेगा। और जो इसका बेस है, अंदर नीचे वाला जो बेस है, बेस को हम इसका रिपेयर कर सकते हैं, जो हिंच वगैरह इसके टूटे हुए होंगे। तो आपको हम इसके बारे में बताते हैं। यदि मशीन की हम बात करें, एसर गेटवे मॉडल है NE56R। ये बहुत अच्छा मॉडल है, अच्छा बिकाया। आज से 10-8 साल पहले ये मशीन आनी शुरू हुई थी। पेंटियम में भी आती है और i3 में भी आती है ये मशीन। पेंटियम में यदि हम बात करें तो इसका प्रोसेसर पेंटियम तो आजकल आप सुनते होंगे बहुत ही स्लो है, पर इसका जो प्रोसेसर इसमें पेंटियम जिस टाइप का लगा हुआ है, ये डिजाइन जिस तरह की मशीन की हुई है, आज भी इसमें स्पीड इसकी क्यों ज्यादा वो होती है, क्योंकि इसमें जो हार्ड डिस्क है वो 7200 RPM की है, इस वजह से इसकी स्पीड ज्यादा अच्छी होती है। रैम जो है इसमें 4GB RAM आती है, DDR3 इसमें रैम होती है। 15 इंच में ही ये गेटवे की जो मशीन आई हुई है, मोस्टली 15 इंच में आई है, 14 इंच में इतनी नहीं आई है। ये एक पॉपुलर मॉडल है इसका NE56R। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए इसमें आप टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा अपना। हम अपना पूरा लैपटॉप खोल लेते हैं। हमें इसे चेंज करने के लिए हमें इसका टच पैड और बेस चेंज करने के लिए इसका पूरा खोलना पड़ेगा। ये हमारे पास इसका नया टच पैड आ चुका है, ये इसका नया टच पैड है जो टूटा हुआ है, वो पूरा हम इसका चेंज करेंगे। खोलने से पहले सबसे पहले हमने आपको बताया हुआ है, हमारे वीडियो में बताते हैं, कोई नया सीखने वाला भी हो या करने वाला बंदा हो तो अपनी बैटरी को सबसे पहले रिमूव कर ले, बैटरी को रिमूव कर ले तभी इसको खोले, नहीं तो क्या होता है खोलने पैक करने में ही हमारी मशीन खराब हो जाती है, डेड वगैरह होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बैटरी लगी लगी में यदि हमारे पास हमारे से कुछ शॉर्ट हो जाए, टच ये आपका स्क्रू ड्राइवर टच हो जाए, कोई स्क्रू टच हो जाए मदरबोर्ड पे, तो प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं।